ये है सरप्राइज। तो गाइस अपना पार्सल आ चुका है अमेज़न से। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है फ्राइडे और मैं लगाने लगा हूँ अपना लेग्स का वर्कआउट। और आज मैं एक सरप्राइज है आपको रिवील करते हैं क्या है। सो आज उसके साथ मज़ा आ जाएगा वर्कआउट करने का। सो बस चलते हैं जिम, पहुँच ही गए हमारे जिम से स्टार्ट करते हैं भाई बनाना यार। तो चलते हैं अंदर। तो भैया यहाँ गाइडेंस देते हो उधर को। सो भाई चलते हैं अंदर, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हमारा मानिक स्क्वाड लगा रहा है ये। ए बॉय पावर है यार। ओ मंडे मंडे के अभी आया बेचारा। सो भाई ये है सरप्राइज बुल ड्रॉप की रॉड, पावरलिफ्टिंग रॉड। अब मजा आएगा भाई वर्कआउट करने का। तो करते हैं इसको रिव्यू। सो भाई ये रॉड है पावरलिफ्टिंग की, बुल ड्रॉप की। एक्चुअली ये परसों शाम को आई थी तो दो तीन बारी यूज़ ही हो गया, आई थिंक दो तीन से ज़्यादा ही होगी अभी। तो इसका यही फायदा है कि भाई बैंड वगैरह कुछ नहीं होगी और इसकी भाई ग्रिप ये पार जाएगी। तो भाई चलो करते हैं स्टार्ट वर्कआउट। मैं तो करूंगा, तू डालना, मैं ऐड करता हूँ। वीडियो खराब कर गया, वीडियो ही खराब कर गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जाओ तो जाओ भैया। स्ट्रेस लेवल मजा आया। क्या पूछ रहा हूँ? मैं सो गया है, पता नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, समय पे आ जाएगा। सोता नहीं है लड़का। तो फाइनली भाई अपना लेग्स का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। तो बस ये लास्ट में साइकिलिंग कर रहा हूँ, अपने बॉडी थोड़ी मतलब जो स्टिक फूक भी होती है तो करने के लिए। बाकी साइकिलिंग आते भी करनी चाहिए और जाते भी करनी चाहिए। वार्म अप आते हुए वार्म अप हो गया और जाते हुए आपकी लेग्स स्टिक नहीं होंगी। तो बाकी मज़ा आया वर्कआउट करने का।
आज लास्ट मैक्स स्क्वाड मेरा 180 गया थोड़ी लाइट स्पोर्ट के साथ। एक्चुअली काफ़ी देर के बाद मैंने ट्राई किया इतना हैवी, लास्ट टाइम मैंने 200 ट्राई किया था, फिर उसके बाद आ जाके 180 ट्राई किया। तो ठीक रहा, एक दो दिन में पावर वापस आ जाएगी। और जो रॉड है भाई, मज़ा आ गया रॉड के साथ स्क्वाड करने का, बड़ा मज़ा आया, सही है बुल रॉक की रॉड। बाकी देखें आप डेट भी लगाएंगे। चलो भाई चले, चल रहे उधर, चल रहे हैं वापस अब शॉप पे। शॉप खोलते हैं भाई, बहुत लेट भी हो गया, सीधा निकलते हैं। 22:20 फोन लगे लगे लगी, तो 20 को करते स्टार्ट, निकलते हैं। ओए ओ माय गॉड, तो जा रहा हूँ शॉप की तरफ, चलते हैं शॉप पे, दानिश भी मिलेगा अभी, वो बाहर खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग, नहाते हो ना, कैसा लगा मेरा मजाक? सो अभी शॉप पे और इस टाइम हो रहा है, आई थिंक 1:30 बज गया। सो अभी ओट्स खा रहा हूँ मैं अपने सुबह का ब्रेकफास्ट, आजकल कम ही कभी करता हूँ कभी नहीं करता। सो ओट्स खाते हैं आज सुबह से, गर्मी है और लाइट भी नहीं है यार, सुबह से ही लाइट बंद है। सो करते इसको ख़त्म। तो गाइस अपना पार्सल आ चुका है अमेजोन से, मैंने कुछ ऑर्डर किया था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था ऐसे, सो मैंने ऑनलाइन देखा था वो मुझे मिल गया। सो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, बताता हूँ आपको क्या है। सो बाकी सीज़र की तो टेंशन नहीं है भाई, सीज़र देख लो इतनी बढ़िया हमारी शॉप में यार। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। वैसे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग भाई, मैं तो पूरा पाड़ देता हूँ यार। तो ये निकले हैं, इसमें दो बॉक्स हैं, ये है सुपर ग्रीन्स एंड फ्रूट्स मसल ब्लेज की तरफ से, इसलिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये मुझे चाहिए था, मतलब मेरी नेचुरल जो मेरी वेजिटेबल्स वगैरह का सारा कवर अप होना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही थी। सो मैंने तभी ये ऑर्डर किया। और एक ये थोड़े से पैसे देके हमें मेरे को दो चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने दोनों ऑर्डर कर ली। सो ये भी विटामिन सी इम्यूनिटी पाउडर है ऑरेंज फ्लेवर में, और आपको बता दूँ कि इसकी सर्विंग आई थिंक 25 है, 25 सर्विंग है, और ये मसाला फ्लेवर है। सो कल मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं। इसको मैं मेनली आफ्टर ब्रेकफास्ट करूंगा, बट ब्रेकफास्ट तो मैं कभी कभी करता नहीं हूँ। सो देखूंगा कि किस टाइम मेरे को ये सूट करेगा, तो उस टाइम लूँगा। तो बाकी भाई सही लग रहा है, ओरिजिनल की ऑथेंटिक वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, और इसकी भी 25 सर्विंग है। सो ये था मेरा ऑर्डर आज का मसल ब्लेज की तरफ से, तो इसको ट्राई करेंगे, आपको रिव्यू कल बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। सो शाम हो गई है और शॉप बंद करने वाला टाइम भी होने वाला है। सो अभी मैं लगाऊँ अपना वेट ही, क्योंकि भूख लग जाती है इस टाइम बड़ी ज़्यादा यार, क्या बताऊँ, मन करता है जो मिले खा लूँ, बट करना नहीं है, अपनी बॉडी ख़राब नहीं करनी है, तो वे पीते। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, तो हमें जा रहा हूँ घर, तो मिलते हैं। आज का लेग्स का वर्कआउट तो बहुत अच्छा किया था, तो कल का दिन देखते हैं, मेरे कल आर्म्स का वर्कआउट है।